भगवन्नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नामापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीतेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः नारायण श्रीमद्भागवत स्कंद छः अध्याय सोलह श्लोक सोलह सत्रह कालिंद्यां विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रिया मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्रावन्दत अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रणतात्मने भगवान् नारद प्रीतो विद्यामेतामुवाचः सयुत्तं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहांधकूपान् निष्क्रांत सरपंकादिवद्विपः पन्द्रम अंगिरा और देवर्षि नारद जी के उपदेश के अमोघ प्रभाव से चित्रकेतु राजा के हृदय में विवेक का उद्भव हुआ। वे घर गृहस्थी के अंधकूप से उसी प्रकार निकल पड़े जिस प्रकार कोई गज तालाब के पंख से स्वयं को विनिर्मुक्त कर ले। यमुना जल में स्नान किया अर्थात यमुना जी में गोता लगाया, तर्पण आदि जो धार्मिक क्रियाएं उनका संपादन किया, संयत प्राणो ब्रह्मपुत्रावन्दत बिल्कुल संयतेंद्रिय होकर मौनेन और मौन रहकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों में प्रणाम किया। अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रणता प्रयतात्मने भगवान नारद प्रीतो विद्यामेतामुवाच। भगवान देवर्षि नारद ने देखा चित्रकेतु जितेंद्रिय हैं, भगवान के भक्त हैं और मेरे प्रति भी शरणागत हैं। प्रमुदित होकर उन्होंने विद्या का उपदेश दिया। संकर्षण विद्या इसका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चतुर्व्यूह का वर्णन किया गया है। श्री वल्लभाचार्य जी आदि वैष्णवाचार्यों के यहाँ
चतुर्व्यूह का बहुत महत्व माना जाता है। श्रीमद्भागवत में भी इस स्थल पर और अन्य स्थलों पर चतुर्व्यूह का वर्णन है। महाभारत के शांति पर्व में चतुर्व्यूह का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रह्मसूत्र में भी इसकी समीक्षा की गई है। एक ही परमात्मा सगुण साकार वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में व्यक्त होते हैं। उधर श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। एक तुरीय तत्व की अचिंत्य लीला शक्ति के योग से चार रूपों में अभिव्यक्ति होती है, इसी का नाम चतुर्व्यूह है। नारद जी ने उपदेश किया। ओम नमस्तस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नवो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मा रामाय शान्ताय निमित्तद्वैतदृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्यूर्मये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये बच्चस्य परते प्राप्य य एको मनसा सह अनात्मरूपस्य निमात्रासो व्यान्नः सदसत्परः। ओम ऐसा भगवान नाम का उच्चारण किया देवर्षि नारद ने। मांडूक्य उपनिषद आदि में ओम की बृहद मीमांसा की गई है। अकार उकार मकार तीन मात्राओं से युक्त है ओम। इसमें यह चमत्कृति है कि चेतन के व्याज से सोपाधिक परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है। जब हम औपाधिक धरातल पर किसी वस्तु का तत्व का चेतन का निरूपण करते हैं तो जड़ चेतन दोनों का अपने आप परिज्ञान हो जाता है। जैसे हम जीव कहते हैं तो जीवत्व की सिद्धि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के बिना संभव ही नहीं है। तो व्यावहारिक धरातल पर चेतन का वर्णन करने पर जड़ का वर्णन अपने आप हो जाता है। सोपाधिक कहने पर ही जड़ और चेतन दोनों का ज्ञान होता है। उपाधि कामश जड़ है, उपाधि में तादात्म्यपन्न का नाम चेतन है। चेतन के व्याज से ही जड़ का प्रतिपादन हो जाता है। पृथक से जड़ के उल्लेख की आवश्यकता नहीं होती। तो जो कुछ जड़ और चेतन है और इन दोनों का परम अधिष्ठान स्वरूप प्रत्यगात्मा तुरीय तत्व कूटस्थ ब्रह्म है, उन सब का ज्ञान ओम के माध्यम से हो जाता है। पूरी सृष्टि को एक अक्षर में गुंफित करने की विधा अद्भुत है। ओम कहने पर सबका ज्ञान हो जाता है। जो कुछ जड़ चेतन है और दोनों के मूल में दोनों से अतीत तत्व है, साक्षी विविक्त तत्व अधिष्ठान है, या वैदिक विज्ञान की विचित्र स्थिति है। एक अक्षर ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, इसको गीता में कहा गया एकाक्षर ब्रह्म।
इसका अर्थ है शब्द ब्रह्म। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म। ओम यह एक अक्षर वाला शब्द ब्रह्म है। पर ब्रह्म का विज्ञान शब्द ब्रह्म के अधीन होता है। शब्द परे से निष्णाते वो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात होते हैं, वे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ माने जाते हैं। बस एक अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर ले तो पूरी सृष्टि सृष्टा के सहित उसकी दृष्टि में आ जाती है। ओम की अभिव्यक्ति राम इस भगवान नाम के रूप में हुई है। अष्टोत्तर शत उपनिषदों में तारक ब्रह्म के रूप में ओम या राम इन दो का उल्लेख होता है। भवसिंधु से तारने वाला शब्द ब्रह्म ओम है, लेकिन ओम वेदों का बीज है। सर्वे वेदा यत्पद मामनंति ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा, इसलिए इसमें सभी अधिकृत नहीं हैं। ओम में जो शक्ति है वो शक्ति अनधिकृत व्यक्ति को विचलित कर देती है। शक्ति का जागरण हो जाए और शक्ति को पचाने की क्षमता न हो तो शक्ति नाश कर देती है। इसलिए महर्षियों ने क्या किया, फल से किसी को वंचित नहीं रखा। यही वैदिक सनातन सिद्धांत की विशेषता है। हमारे पूज गुरुदेव कहा करते थे, सनातन सिद्धांत में धर्म में फल चौर्य नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी निराग्नि होते हैं, विधिवत अग्नि का परित्याग करने के बाद सन्यास होता है। इसलिए सन्यासी अग्नि चिता नहीं सकते, भोजन नहीं बना सकते, भोजन बनाने में अधिकृत नहीं है हम, क्योंकि अग्निहोत्र की सीमा को पार कर चुके हैं। पारंगत व्यक्ति भी अनधिकृत होता है। और एक पार जाने की इच्छा रखने वाला लेकिन जन्मादि योग्यता से विहीन है तो वो भी अनधिकृत होता है। दो ढंग के अनधिकार की चर्चा होती है। अभी जो प्राइमरी कक्षा बाल कक्षा का विद्यार्थी है वो एमए की कक्षा में अधिकृत नहीं है, और जो एमए की कक्षा उत्तीर्ण कर चुका वो पारंगत होने के कारण अधिकृत नहीं है। अधिकृत नहीं है अवर्ता के कारण या पारंगतता के कारण, इसका विवेक करना आवश्यक है। तुम अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना सकते, लेकिन भोजन करने में अधिकृत तो माने जाते हैं। तो हमें क्या आपत्ति है कि हम भोजन बनाने का हट करें। जब सनातन धर्म में किसी को फल से वंचित नहीं किया गया तो फिर साधन को लेकर दुराग्रह मुर्दाबाद कहने की आवश्यकता क्या है। या तो उन्माद है जो कि आजकल भरपूर है। दूसरी बात यह है कि व्यावहारिक धरातल पर भी देखें, सब में सबका अधिकार तो कम्युनिस्टों के शासनकाल में भी संभव नहीं है। सेनाध्यक्ष को, राष्ट्राध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को जो अधिकार प्राप्त है कम्युनिस्टों के शासनकाल में भी, वह तो अन्य को प्राप्त नहीं है। स
सब में सबका अधिकार और व्यावहारिक है और उन्माद है। इधर लोगों का ध्यान आजकल नहीं जाता, आजकल अनधिकारी हो इसको गाली समझते हैं लोग। क्या आजकल किसी को कहने आप अनधिकारी हैं तो गाली समझेगा, अपमान समझेगा। प्रज्ञा शक्ति की न्यूनता है। हाईकोर्ट का अधिवक्ता बिना टाई लगाए बिना कोर्ट का वेश धारण किए वकालत नहीं कर सकता, भले ही वकालत की योग्यता हो। जस्टिस के टाई की लंबाई अधिक होती है, एडवोकेट के टाई की लंबाई कम होती है। जस्टिस ऊपर होते हैं, एडवोकेट नीचे होते हैं, प्रायः खड़े होकर के बहस करते हैं। इसका अर्थ क्या है? सब में सबका अधिकार तो व्यावहारिक धरातल पर कहीं संभव नहीं है, उन्माद है। दूसरी बात और भी है, आप देहात्मवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, तो आप कैसे पूर्व जन्म पुनर्जन्म की मान्यता को लेकर जो वाद या सिद्धांत है उसको समझ सकते हैं? या आपका नियम देहात्मवाद वाला नियम देहेंद्रियादि से अतीत आत्मवाद पर अध्यात्मवाद पर कैसे क्रियान्वित हो सकता है? संविधान की दो धाराएं हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दिल्ली में डेढ़ घंटे तक संविधान की समीक्षा की थी, संविधान पर ही मेरा प्रवचन हुआ था। कई जस्टिस थे, अधिकांश वकील थे उनके बीच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी प्रवचन हुआ। वहाँ तो अंतिम 5 मिनट में सीधे संविधान पर बोले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डेढ़ घंटे केवल संविधान की समीक्षा पर, संविधान के प्रशस्त स्वरूप पर ही प्रवचन हुआ। किसी ने आपत्ति नहीं की, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। तो हमने एक संकेत किया, विश्व में दो प्रकार के संविधान हैं, एक देहात्मवाद को मानकर के संविधान, अधिकांश संविधान तो वही है, मनुस्मृति आदि जो संविधान है, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती, इस आधार पर है। तो एक बड़ी विचित्र बात है, उस संविधान वाले इस संविधान में आस्था कैसे रख सकते हैं? ध्यान गया आपका? और देहात्मवाद के आधार पर जो संविधान है, इस संविधान के पक्षधर या जितने देहात्मवादी हैं, संविधान को जाने या न जाने, वे मनुस्मृति आदि के संविधान में स्थानित कैसे हो सकते हैं? देश में विसंगति है, इस विसंगति ने देश को पतन की ओर डाल दिया। ध्यान गया या नहीं आपका? विचार करने की आवश्यकता है। देश के पतन का कारण दो विचित्र विपरीत संविधान। अब एक संविधान जो है हमारे यहाँ, जो 70 वर्ष पहले तक क्रियान्वित था, मुस्लिम शासन काल में, क्रिश्चियनों के शासन काल में भी, सनातनियों का सारा प्रकल्प तो मनुस्मृति के आधार पर चलता था। एक विचित्र बात है, सांख्यवादी, योगी, पूर्व मीमांसक, उत्तर मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक मनुस्मृति को लेकर कोई विवाद थोड़े करते थे। वर्णाश्रम को लेकर कोई विवाद थोड़े था, वर्णाश्रम को लेकर एकत्व क्या, ये छेवो दर्शन के जो आचार्य और इनके अनुयायी, वर्णाश्रम को लेकर, धर्म मीमांसा को लेकर कोई आपस में विवाद नहीं करते थे। धर्म का स्वरूप तो सबके यहाँ एक ही था प्रायः। अब क्या कठिनाई हो गई 70 वर्षों से, 71 वर्षों से,
जिस संविधान के आधार पर आजकल की दृष्टि से 1,97,29,49,118 वर्षों का संविधान हमारे यहाँ है, इस सर्ग में इस सर्ग की आयु कितनी है, इस सर्ग की दृष्टि से 1,97,29,49,118 वर्ष बीत चुके हैं। अब 118 से 70-71 घटा दीजिए, इतने वर्षों तक हमारे यहाँ जो संविधान सक्रिय था, क्रियान्वित था, उसको 70 वर्ष पूर्व निरस्त कर दिया गया। तो पहले कहा गया कि आपके विवाह भोजन आदि की सारी प्रणाली पर, श्राद्ध तर्पण आदि पर वही संविधान लागू रहेगा, यातायात आदि पर क्या वर्तमान संविधान लागू होगा। ठगा गया, वंचित किया गया। बाद में कहा गया कि जब आपका सनातन संविधान व्यवहार परमार्थ सब में क्रियान्वित था, राजनीतिक सामाजिक सारे क्षेत्र में, धार्मिक आध्यात्मिक सारे क्षेत्र में आपका संविधान क्रियान्वित था, तो स्वतंत्र भारत में जो संविधान बना है वह क्यों नहीं सारे प्रकल्पों का निर्वाहक हो सकता है। समझ गए ना, विसंगति देश में क्या। अब यह एक विचित्र बात है, विचित्र बात क्या है, मनुस्मृति आदि संविधान की संरचना सर्वथा वेदों के अनुरूप हुई, उसमें ऐसी क्षमता थी कि अभ्युदय निश्चयस दोनों में उसकी अमोघ गति थी, क्या लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति अर्थात अभ्युदय निश्चयस दोनों में उसकी अचूक अमोघ गति थी। पद्म पुराण का एक वचन हमने बताया, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, लोक भी बने परलोक भी बने, अर्थात अभ्युदय भी हो और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। यह क्षमता मनवादी धर्मशास्त्रों में थी, उन संविधानों में यह क्षमता थी। वर्तमान संविधान जो किसी भी देश का हो, भारत का ही नहीं किसी भी देश का, देहात्म भाव से भावित जो संविधान है या हो सकता है या कभी रहा हो, चारवाक आदि के यहाँ उनकी भी बात हम कहते हैं, उनमें तो लौकिक उत्कर्ष की भी क्षमता नहीं हो सकती है। पारलौकिक उत्कर्ष और मोक्ष की गाथा तो निरस्त है, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, थोड़ा सावधान होकर सुनिए। जो शरीर को आत्मा मानता है उसकी बुद्धि प्रशस्त हो सकती है कभी, क्या उसकी अपेक्षा, और शरीर को आत्मा मान करके भी बाह्य शब्दादि विषयों की किंकर्ता जिसके जीवन में पल रही है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो ही नहीं सकती है, उच्चिकालदर्शिता से संपन्न उसकी बुद्धि हो संभव ही नहीं है। अब जो इंद्रियों को आत्मा मानने वाले हैं उनकी दृष्टि कुछ प्रशस्त हो सकती है, लेकिन इंद्रियों की गति भी हमारी अनुभूति के आधार पर, छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के आधार पर वर्तमान तक सीमित है। मन त्रिकाललव्य है, मन की गति तीनों कालों में है, और जीव का ज्ञान चक्षु मन है, छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के आधार पर। इंद्रियात्मवादी की बुद्धि प्रशस्त होगी देहात्मवादी की अपेक्षा, मन को आत्मा मानने वाले की प्रज्ञा शक्ति बुद्धि इंद्रियात्मवादियों की अपेक्षा अधिक प्रशस्त होगी, और बुद्धि को विज्ञानवादी, बुद्धि को आत्मा मान, विज्ञानात्मा को आत्मा मानने वाले हम लोग भी हैं जब विज्ञान में कोश को मानते हैं। बुद्धि को क्षणिक न मानकर भी हम विज्ञानवादी हो सकते हैं जब हम विज्ञान में कोश को आत्मा मानते हैं तब। अब जो
विज्ञानात्मवादी है उसकी बुद्धि तो और प्रशस्त होगी। फिर जो कारण शरीर में तादात्म्यपन्न चिद्धातु जीव है उसी में आत्मबुद्धि अहमर्थ बुद्धि जिसकी है उसकी बुद्धि और प्रशस्त होगी। फिर शोधित अहमर्थ अशोधित त्वमर्थ इन दोनों में एकत्व का विज्ञान जिसको प्राप्त है उसकी बुद्धि के सामने तो विश्व में किसी की बुद्धि टिक ही नहीं सकती है।